नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कॉमर्स वर्ल्ड। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वह है हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला तथा अन्य एजेंसियां जो कि हिमाचल प्रदेश में अलग अलग पोस्टों के लिए कंपटीशन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती हैं, मैं पूछे जाने वाला हिमाचल प्रदेश का जीके। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं उनमें कुछ एसेंशियल कंपोनेंट हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट HP GK है, जिसमें से कि 20 या 25 नंबर का पेपर हर कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आज से हम अपने आने वाले वीडियो में हिमाचल प्रदेश GK से संबंधित हर पहलू के बारे में चर्चा करेंगे, साथ ही साथ उन क्वेश्चंस के ऊपर मेन फोकस करेंगे जो कि हर कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ हर क्वेश्चन को कैसे याद रखा जाए, किस टेक्निक के साथ याद रखा जाए, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आज हम हिमाचल प्रदेश के बेसिक जीके से इसकी शुरुआत करते हैं, आओ इसके बारे में जानें। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी राज्य का महत्वपूर्ण स्थान उस राज्य की राजधानी होता है, क्योंकि राजधानी में ही राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, सचिवालय और विभिन्न विभागों के मुख्यालय स्थित होते हैं, जहाँ से राज्य की सभी गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, जो कि समुद्र तल से 2,270 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश का गठन 15 अप्रैल 1948 को हुआ था, जिस कारण 15 अप्रैल को राज्य दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन इस ढंग से भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था, तब हमारा आंसर होगा 15 अप्रैल। हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय शिमला में स्थित है, जो कि 25 जनवरी 1971 को स्थापित हुआ था। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के विस्तार के बारे में, तो हिमाचल प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है वो उत्तर में है तथा देशांतरीय विस्तार पूर्व में है। अक्षांशीय विस्तार 30° 22′ 40′ उत्तर से और 33° 12′ 40′ उत्तर तक है। इसे याद रखने के लिए जैसे हम ध्यान से देखते हैं तो अक्षांश का अ, 30 का 3 और उत्तर का उ, इन तीनों की बनावट एक सी है, तो इस ढंग से हम याद रख सकते हैं कि अक्षांशीय विस्तार उत्तर में है और 30° 22′ 40′ तक है। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो ये पूर्व में है तथा 75° 45′ 55 पूर्व से 79° 4′ 20 पूर्व तक है। हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.7% है। हिमाचल प्रदेश की समुद्र तल से ऊंचाई 350 मीटर से 6,975 मीटर है। अब जनसंख्या की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि जनसंख्या की गणना हर 10 साल के बाद की जाती है। लास्ट टाइम जो 15वीं जनसंख्या थी वो 2011 में की गई थी। इसके अनुसार हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या 68,64,602 थी, जिसमें से पुरुषों की जनसंख्या 34,73,892 तथा महिलाओं की जनसंख्या 33,82,617 थी। राज्य के क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो
तो हिमाचल प्रदेश का देश में 18वां स्थान है। राज्य में जो प्रमुख शिखर है उनमें शिला 7226 मीटर, लियो पारजिल 6791 मीटर, दियो डिब्बा जो कि 6101 मीटर और परगोड़ जो कि 64 मीटर तथा चूड़धार जो कि सिरमौर में है 3647 मीटर है। अब हम बात करते हैं राज्य की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ, तो उनमें शिवालिक, पीर पंजाल और जास्कर की चोटियाँ आती हैं। राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है, जो जिला है, वह कांगड़ा है। अब राज्य की भाषा की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की जो राजकीय भाषा है जिसे कि राज्य ने मान्यता दी है वह हिंदी है। यद्यपि हिमाचल प्रदेश के अलग अलग ज़िले में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कि किन्नौर में किन्नौरी, कुल्लू में कुल्वी और चंबा में चंबियाली। अब राज्य के विस्तार की बात करें तो राज्य में जो सीमाओं का विस्तार है वो अलग अलग दिशा में अलग अलग ढंग से हुआ है और अलग अलग दिशा में अलग अलग राज्य या अलग अलग देश जुड़े हुए हैं। जो हिमाचल प्रदेश के उत्तर में जम्मू कश्मीर है, दक्षिण में हरियाणा, दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड तथा दक्षिण पश्चिम में पंजाब तथा पूर्व में तिब्बत है जो कि चीन का हिस्सा है। राज्य में सबसे कम वर्षा लाहौल स्पीति में होती है तथा सबसे ज़्यादा वर्षा धर्मशाला में होती है। राज्य का जो सबसे गर्म स्थान है वो स्पीति है तथा राज्य का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा है जो कि नंगल और बिलासपुर की सीमाओं पर स्थित है। राज्य का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कुल्लू का है। अब बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में प्रथम कौन था, अर्थात वह व्यक्ति जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में अलग अलग पदों को पहली बार शोभित किया, या वह व्यक्ति जो कि किसी पद पर सबसे पहले आसीन हुए। हिमाचल प्रदेश के सबसे पहले जो, या हम कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल एस चक्रवर्ती थे। हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती शीला कौल थी। हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर बायस परमार थे जो कि सिरमौर जिले से संबंधित थे। हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त एनसी मेहता थे तथा प्रथम उप मुख्य आयुक्त ईपी मून थे। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय जो कि 25 जनवरी 1971 को स्थापित हुआ के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मिर्जा हमीदुल्ला बेग थे और प्रथम महिला जिन्होंने मुख्य न्यायाधीश के पद को संभाला वो थी श्रीमती लीला सेठ। अब हिमाचल विधानसभा की बात करते हैं तो हिमाचल विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पंडित जयवंत राम थे। ये क्वेश्चन बहुत से कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम उप अध्यक्ष श्री कृष्ण चंद थे। हिमाचल प्रदेश की पहली महिला जिसने कि हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष के पद को संभाला वह थी श्रीमती विद्या स्टोक्स। हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा के प्रथम सदस्य चिरंजी लाल वर्मा थे। हम जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के लिए 3 सदस्य चुने जाते हैं जिसे कि जो विधानसभा है या विधानसभा चुनकर भेजती है। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं तथा पहली महिला सदस्य जो कि हिमाचल प्रदेश से थी तथा संसद के लिए चुनी गई थी वह थी राजकुमारी अमृत कौर तथा केंद्रीय मंत्रिमंडल में पहली मंत्री बनने वाली महिला भी राजकुमारी अमृत कौर थी। हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव केएल मेहता थे। हम सभी जानते हैं कि मुख्य सचिव ही राज्य के सभी सचिवालयों के सभी विभागों के कार्यों के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रथम लोक आयुक्त न्यायमूर्ति टीवीआर टाटाचारी थे।
परमवीर चक्र जो कि सेना का सबसे सर्वोच्च सम्मान माना जाता है, वह हिमाचल प्रदेश के सपूत मेजर सोमनाथ शर्मा को उनके अदम्य साहस के लिए प्रदान किया गया था, जो कि कुमाऊं रेजिमेंट में थे तथा कांगड़ा जिले के डाट जगह से संबंधित थे तथा इन्हें 3 नवंबर 1947 को पाकिस्तानी अटैक के समय बहादुरी दिखाने के लिए ये परमवीर चक्र प्रदान किया गया था। अब हम बात करते हैं प्रथम महावीर चक्र विजेता, तो वो थे लेफ्टिनेंट कर्नल करण सिंह, हिमाचल प्रदेश के प्रथम वीर चक्र विजेता थे हवलदार तोबगे। प्रथम न्यायिक आयुक्त न्यायाधीश जैन बनर्जी थे। हिमाचल प्रदेश का प्रथम रेडियो स्टेशन शिमला में स्थित है और हिमाचल प्रदेश में कुल मिलाकर 3 रेडियो स्टेशन है जो कि गवर्नमेंट क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, एक शिमला, दूसरा हमीरपुर और तीसरा धर्मशाला। हम बात करते हैं रेलवे लाइन की, तो हिमाचल प्रदेश में 3 रेलवे लाइन है, एक शिमला कालका, दूसरा पठानकोट जोगिंदर नगर और तीसरा नंगल ऊना, जो कि अब नंगल से तलवाड़ा हो गई है। बात करते हैं हम बात करते हैं हम शिमला रेलवे लाइन की, तो शिमला रेलवे लाइन की जो कुल दूरी है वो 96 किलोमीटर है तथा इस रेलवे लाइन पर जो रेलवे चली थी वो 1903 में चलाई गई थी। अब बात करते हैं पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे लाइन की, इसकी शुरुआत 1928 में हुई थी तथा ये 164 किलोमीटर लंबी है। अब बात करते हैं हम ऊना नंगर रेलवे लाइन की, जो कि ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है तथा ये 67 किलोमीटर लंबी थी, लेकिन अब इसका नाम बदलकर नंगल दौलतपुर लाइन रख दिया गया है तथा इसकी दूरी 6900 किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश के प्रथम पुलिस पदक विजेता गंगवीर सिंह थे। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार पुरस्कार सबसे पहले मियां गोवर्धन सिंह को दिया गया, जो कि साहित्य के क्षेत्र के लिए दिया जाता है। अब बात करते हैं हम बाबा कांशीराम पुरस्कार, जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है तथा ये पहाड़ी गांधी के नाम से जाने जाने वाले बाबा कांशीराम की याद में दिया जाता है। ये सबसे पहले श्री जयदेव जी को दिया गया था। सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजय कुमार जी को दिया गया। प्रथम परशुराम पुरस्कार, जो कि खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है, सबसे पहले श्रीमती सुमन रावत जी को दिया गया था, जो कि एक एथलेटिक खिलाड़ी थी तथा उनके धावक के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन के करने के कारण ये पुरस्कार उन्हें दिया गया था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम पर्वतारोही सुनील शर्मा थे तथा सबसे कम उम्र के युवा पर्वतारोही जो कि माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे थे वो थी डिक्की डोलमा। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।